प्रदेश में एक बार फिर सक्रिय मानसून का दौर शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। अगले 3 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। झालावाड़, जोधपुर, सिरोही, पाली, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन सभी जिलों में मध्यम से अधिक और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भरतपुर, धौलपुर, चूरू, करौली, सीकर, झुंझुनू, टोंक, नागौर, प्रतापगढ़, बूंदी, जालौर, बीकानेर, भीलवाड़ा जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन सभी जिलों में मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। 27 अगस्त से मॉनसून का दौर कमजोर होगा। अनूप मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप, मॉनसून का दौर लगातार, अब मौसम विज्ञान केंद्र का एक और अलर्ट। जी हाँ बिल्कुल सुमित, देखिए प्रदेश के अंदर मानसून है वो सक्रिय है, जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों के अंदर भारी से अति भारी बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र अलर्ट मोड के ऊपर बना हुआ है। इसी के साथ ही अगले 3 घंटों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। अगर अलर्ट की बात की जाए तो झालावाड़, जोधपुर, सिरोही, पाली, सवाई माधोपुर, राजसमंद, डूंगरपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर येलो अलर्ट की बात की जाए तो प्रदेश के अधिकांश जिलों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते वहां पर मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी की गई है। अभी तक की कुल अगर बारिश की बात की जाए तो राजस्थान के अधिकांश जिलों के अंदर सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो पिछले 6 साल का रिकॉर्ड यहां पर तोड़ती हुई इस बार की जो बारिश है, इस बार का जो मानसून है वो साफ तौर के ऊपर नजर आ रहा है। और आने वाले दिनों की बात की जाए तो आने वाले 2 से 3 दिन तक प्रदेश के अंदर और अधिक सक्रिय मानसून रहने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी की गई है। अगर अधिक बारिश की बात की जाए तो कल से प्रदेश के कोटा और उदयपुर संभाग के अधिकतर जिलों के अंदर भारी बारिश का अलर्ट है वो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किया गया है। हालांकि अभी भी प्रदेश के कुछ जिलों के अंदर सामान्य से कम बारिश, औसत से कम बारिश दर्ज की जा चुकी है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर जो बारिश का दौर है वो जारी रहेगा, जिसके चलते उदयपुर संभाग के कई जिलों के अंदर और उदयपुर शहर के। शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए।